Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम कॉफ़ी से वुडन इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखने जा रहे हैं. तो उसके लिए हमने यहाँ कॉफ़ी ली है. वाइट ग्लू चाहिए हमें, फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं हम. ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट. लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. तो सबसे पहले हमें कॉफ़ी लेनी है. कॉफ़ी में हम वाइट ग्लू ऐड करेंगे. ये हमारी वाइट ग्लू है. इसमें हम धीरे धीरे करके जितनी ज़रूरत है हम कॉफ़ी ऐड करेंगे. तो ये हमारा कुछ वुडन कलर जो है वो क्रिएट हो गया है. हल्का सा पानी ऐड करेंगे. तो चलिए अभी हम क्रिएट करेंगे वुडन इफेक्ट कॉफी और फेविकॉल की मदद से. व्हाइट शीट लेते हैं. इस पे हम जो हमने कलर बनाया है उसकी कोटिंग करेंगे पहले. ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने पूरे पेपर को वुड कलर से कोट कर देना. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे शीट को कॉफी और फेविकॉल से वुडन इफेक्ट दे दिया है. अभी हम अपनी कॉफ़ी को डाइल्यूट करेंगे थोड़ा, ताकि ग्रैन्यूल्स जो है वो चले जाए. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा पानी से. पानी डालकर इसको हमें इवन करना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थोड़ा डार्क कलर बनाया है. कॉफ़ी को डाइल्यूट करके हल्का मिक्स किया है फेविकोल में, और इस तरीके से हमें कुछ लाइनिंग्स देनी हैं. कुछ इस तरीके से वुडन इफेक्ट क्रिएट करना है. ये देखिए,
पानी से डाइल्यूट करते हुए हमें जितना डार्क कलर बनाना है उतनी कॉफ़ी लेकर हल्का फेविकॉल मिक्स करना है और उसका इफ़ेक्ट देना है हमें अपनी प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें पूरी कॉफ़ी को हमने डाइल्यूट कर लिया है। प्लेन बैकग्राउंड देकर उसके ऊपर हमें डार्क कलर से वुडन इफेक्ट क्रिएट करना है। ये देखिए डार्क कलर लेकर उसका स्ट्रोक देना है थोड़ा हल्का हल्का, जैसे वुड में अक्सर आपने देखा होगा बहुत ही कॉफ़ी और फेविकॉल की मदद से हमें बिल्कुल वुडन इफेक्ट जो है वो मिलता है, हमें किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए
कॉफ़ी और फेविकॉल से वुडन इफेक्ट जो है वो कितना अच्छा क्रिएट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये और आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगैन। ये देखिए,